भाजपा का अजय दूर बनते जा रहे कांगड़ा को भेदने के लिए कांग्रेस ने अपने बड़े नेता आनंद शर्मा को रण में उतार एक नया प्रयोग किया है। कांग्रेस ने यहां पर पिछला चुनाव वर्ष 2004 में जीता था, जिसके बाद लगातार 3 बार हारती रही है। उससे पहले भी 2 चुनाव यहां भाजपा के कद्दावर नेता शांता कुमार जीते थे। जातीय सियासत के लिए मशहूर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला गया है। यह मजबूरी भी थी क्योंकि भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज भी इसी समुदाय से हैं। बड़ा नाम घोषित कर कांग्रेस के सभी नेताओं को यहां पर एक छत के नीचे लाने की रणनीति है। हालांकि आनंद के खिलाफ भाजपा कांगड़ा में बाहरी नेता का मुद्दा खड़ा कर सकती है। उसका भी तोड़ इसी प्रचार से होगा कि आनंद शर्मा हिमाचल मूल के बड़े नेता गिने जाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, विदेश राज्य मंत्री जैसे बड़े पदों पर रह चुके आनंद शर्मा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने सबको चौंकाने वाला फैसला लिया है। राज्यसभा सदस्य रहते हुए आनंद उस समय भी केंद्रीय मंत्री थे जब हिमाचल से वीरभद्र सिंह केंद्र में मंत्री बने थे। ऐसा माना जाता है कि आनंद के वीरभद्र सिंह से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। जब वीरभद्र के विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो आनंद शर्मा उनके शुभचिंतकों में थे। उस वक्त आनंद शर्मा अनेक बार सुक्खू की ढाल भी बने। ऐसे में यह मुख्यमंत्री सुक्खू पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अब उनसे लोकसभा की दहलीज पार करवाने के लिए अपने रण कौशल का इस्तेमाल करें। अब यह आनंद शर्मा के लिए भी उनके राजनीतिक करियर में करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर जीते तो उनका कद कायम रहेगा, लेकिन हारे तो भविष्य के लिए संकटपूर्ण स्थिति होगी। आपको बता दें, आनंद शर्मा का जन्म 5 जनवरी 1953 को हुआ था। आनंद शर्मा पीए शर्मा और प्रभा रानी शर्मा के बेटे हैं। इनका जन्म हिमाचल के शिमला में हुआ था। शिक्षा RPCSDB कॉलेज शिमला और विधि संकाय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हुई है। आनंद शर्मा ने 23 फरवरी 1987 को डॉक्टर जेनोबिया से शादी की। उनके 2 बेटे हैं। शर्मा भारत सरकार में वाणिज्य उद्योग और कपड़ा विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जून 2014 से 2022 तक भारतीय संसद के ऊपर सदन राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे हैं। वह भारत में छात्र और युवा आंदोलन के एक प्रमुख नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा NSUI के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी थे। आनंद शर्मा ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। अब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। G23 के नेताओं में शामिल होने के बाद आनंद शर्मा हाशिए पर चले गए थे। अब उनके सामने हाईकमान के सामने खुद को साबित करने का एक नया अवसर होगा। G23 के नेताओं ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बदलने के लिए एक पत्र लिखा था। इन 23 नेताओं में हिमाचल प्रदेश से आनंद शर्मा और कौल सिंह ठाकुर थे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से विधानसभा में भी कांग्रेस का पल्ला भारी है। क्षेत्र में 17 में से 11 सीटें कांग्रेस के पास हैं। सुधीर शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए तो 1 सीट खाली हुई है। अब 10 विधायक कांग्रेस के पास हैं। अब आनंद को जिताने की जिम्मेदारी इन सभी पर डाली जा रही है कि वे अपने अपने क्षेत्रों से लीड देंगे। अब बात करते हैं हमीरपुर संसदीय सीट की। लंबे सियासी मंथन के बाद हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय सीट से सतपाल रायजादा पर कांग्रेस हाईकमान रजामंद हुई है। ऊना सदर से पूर्व विधायक रायजादा को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने क्षेत्रीय के साथ ही जातीय समीकरण साधने का भी प्रयास किया है। राजपूत बाहुल क्षेत्र में महज 2 दफा ही OBC चेहरा चुनाव जीत पाया है। नारायण चंद्र पराशर इस सीट पर 2 दफा कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वर्ष 1998 से भाजपा इस सीट पर अजय रही है, जबकि 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को वर्ष 1998 से भाजपा इस सीट पर अजय रही है जबकि 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को ऊना जिले से कांग्रेस प्रत्याशी जनरल विक्रम सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। धूमल परिवार की सीट पर इकलौती हार थी। उसके बाद से भाजपा और धूमल परिवार सीट पर अजय रहा है। धूमल परिवार का सीट पर 9वां चुनाव है। पूर्व विधायक रायजादा प्रदेश की राजनीति में साल 2017 में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को हरा कर चर्चा में आए थे। CM और उप मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं पर अपने अपने जिले से प्रत्याशी को मजबूती देने का दरोमदार रहेगा। पूर्व विधायक रायजादा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साझा उम्मीदवार हैं। दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे। सतपाल रायजादा ने 10वीं तक पढ़ाई की है। रायजादा ने ऊना के सरकारी स्कूल से 1987 में 10वीं पास की।
उनकी पत्नी का नाम अंजना देवी है। उनके दो बेटे हैं। पूर्व विधायक रायजादा इस समय कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वह ऊना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी सतपाल सिंह सत्ती को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 3,196 वोटों से हराया था। 2012 में उन्होंने पहला चुनाव ऊना विस से लड़ा था। उस समय वह भाजपा के सत्ती से हार गए थे। चुनाव से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।